से आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव में लालू अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे या फिर जेल में ही रहेंगे, ये दो हफ्ते में साफ हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू यादव की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। दरअसल लालू यादव ने मेडिकल ग्राउंड पर तीन मामलों में जमानत मांगी है। लालू की तरफ से कहा गया है कि वो एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और एक मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लालू को जमानत मिलेगा या नहीं, इसके लिए दो सप्ताह का इंतजार करना होगा। फिलहाल लालू का इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि महागठबंधन में सब तैयारी हो गई है और सबको सम्मानजनक सीट मिली है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमारा बिहार का जो गठबंधन है और जो आवाम को अट्रैक्ट करता है, उसमें कांग्रेस है, राजद है, कुशवाहा जी है, मांझी है और वीआईपी है। मुझे लगता है हम लोग बहुत मजबूत है और हम अपने गठबंधन से आश्वस्त हैं। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि बीजेपी डरी हुई है, और जब बीजेपी भी, अब जिस तरह से बीजेपी से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, हर पार्टी से आना जाना चलता है, तो ये चुनावी समर है, बहुत सारी चीजें होती हैं और आपका भी काम है, आप भी प्रोफेशनल है और आप भी अपना काम। पटना के कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि 17 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। महागठबंधन दल नहीं, दिलों का मिलन है और मांझी को सम्मान के साथ देखता हूं। मांझी जी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्यार और पॉलिटिक्स में नोकझोंक होती है। हम 17 तारीख को, हमने कहा है कि 17 तारीख को इसका अनाउंसमेंट, बातें सारी हुई है। मैं महागठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ कि सबने एक अच्छे वातावरण, और भाई तेजस्वी जी ने जिस तरह से कहा कि ये दलों का नहीं, दिलों का मिलन हो, इस तरह से चलना चाहते हैं। मांझी जी बड़े ही सम्मान के साथ उनको देखता हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने पटना में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली मिलन समारोह में पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के नेता व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी और एक दूसरे की खुशहाली की कामना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।